हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधा स्वामी मेरे सभी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों अपने ब्लॉग में। आज सवेरे सवेरे रेडी है जी, सवेरे सवेरे जरे ब्यास, पूरी टीम रेडी है। सवेरी सब ने चाह पी ली, मैं दिखाऊंगा आपको। रजाई प्ले का पड़ के चाह पी ली, अपना समर जश्न भी रेडी है। ये सवेरी चाह पीने के नाम ने उठ गया, तुम्हें जाना था कहीं तो उठी सवेरी। सवेरी लोग ने चाह पर समर देख क्या कुछ बनाया। सवेरे सवेरे पूरी धुंध हो रखी है ये देखिए। चलो कोई बात नहीं, टीम अपनी रेडी है, गड्डी स्टार्ट कर दी है जी। बाहर ले जी, हार अपनी गड्डी रेडी कर दी है, स्टार्ट सुबह सुबह। लाइटा बाल ले, लाइटें चला लेना। हाँ चल राधा सोई बाबा जी। हो जी देखिए पोल्यूशन, धुंध देखिए दोस्तों कितनी आ रही है, पूरी समांतर हो गई सारा। दिखा रहा धुंध कैसे आ रही है इसमें, ये देख धुंध कैसे आ रही है। हाँ ये देखिए दोस्तों, अजीब ही चीज़ नज़र आ रही है, धुंध किस तरह से। लियो बाकी सामान भी भाई, फटाफट लियो। हाँ टीम तैयार है पूरी, ताले की चाबी, गेट की ताले की चाबी लिया लगी बाबा जी के आशीर्वाद से। ब्यास जाने का बुलावा आ गया अपना, बाबा जी ने फिर से बुलाया, अब चलते हैं। मेरी चादर दे दो, अच्छे रहें सारा घर है ठीक है, मम्मी के लिए सारा काम करें। यही पूरी ठंड भी हो गई है, अब देख सकते हैं पूरी धुंधम धुंधे रही आज तो भाई साहब। चलो भी बैठो फटाफट, बैठो बैठो बैठो, ये पीछा रख लो जैसे। वाह भाई वाह, राधा स्वामी बाबा जी सच्चे पातशाह शुक्र है आपका, सच्चे पातशाह शुक्र। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी बाबा जी, बाबा जी का ध्यान करके निकल पड़े। और आप लोग देख सकते हो धुंध कितनी है जी, पूरी धुंध रखी है। टीम तैयार है पूरी, राधा स्वामी जी। लो जी सड़क पे पहुंच चुके हैं जी। ओ तेरी, मैंने कहा था पापा आपको क्या भी धुंध आएगी सुबह, थोड़ी धुंध है। चलो क्या दिक्कत होगी, फिर अब चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। धुंध बहुत है जी आज, ये देखिए फुल धुंध है जी। अम्बाला कैंट पहुंच चुके हैं जी, सुनसान ही है, एक दो गाड़ी निक्का दुक्का, कोई बेचारे सवेरे अखबार वाले जा रहे हैं, कोई सब्जी वाले जा रहे हैं, ने भी चले गई चादर सीरियर का। या तो कहाँ चली ताई सवेरी, सवेरी टप रही है सड़क, बता कहाँ जा गई सैर कर का। सब सवेरे हैं जी, कोई मर जैसे वेले हैं सड़क पा। तो कहाँ चला यूपी के गड्डी लेकर तड़की सवेरी, मारे तन्ने भी सलफ। एक अद्धा कोई सिगरेट पीने वाला सिगरेट की रेडी पर मिला इस टाइम, बस स्टैंड पर चाह पीने वाले मिलेंगे मनु और सब्जी वाले। पर धुंध बहुत ज़्यादा है दोस्तों आज। सेफ ड्राइविंग, अगर आप लोग कहीं निकल रहे हैं तो थोड़ा सेफ चलें जी, बाबा जी का ध्यान करके चलें, मालिक का ध्यान करके चलें, उनको अपने संग अंग संग लेके चलें जी। धुंध काफ़ी है और सर्दियों का धुंधों वाला आगमन हो चुका है जी, आज पूरी धुंध है, क्योंकि सिर्फ गांव में धुंध नज़र आती है, आज शहर में भी नज़र आ रही है। ये देखिए मैं रोज़ जैसे जिम आता हूँ तो गाँव में तो नज़र आती है, शहर की तरफ आते ही धुंध ख़त्म हो जाती है, पर आज धुंध फिर से अपना रुद्र रूप लेके पहुँच चुकी है हम लोगों के बीच। क्यों आ रहा हो? हाँ पहुंच गए अम्बाला कैंट बस स्टैंड पे, थैंक्स फॉर विजिट। ये हमारा अम्बाला कैंट का बस स्टैंड है जी। तो कुछ लेने गया यार, अभी टॉफी वगैरह लेने गया, अगर रास्ते में खाते चले गए, चल खा ले। मैं क्या रखता हूँ सवेरी, टॉफियाँ ले ली, खाने थाने क्या लिया रहा, केक सवेरी ले लिया। देखे थाने बच्चे घर आते भी तड़की सवेरे 5 बजे ने क्या क्या लगे खान, देखो और पूरी वाह चल रही इनकी जिद भी, यो लूंगा ऐसा पता नहीं क्या है। राम एलपन लीबे केक, ये देखो कितनी जनता बस स्टैंड बेली फिर थरा तड़की है घर आते केक लगे सवेरी खान। देखो जी कितने भुखे ने सवेरी 5 बजे केक, इन कह दे दूध का गिलास पीना, देखो घर तो पी जिंदा तेरे
साइड में हो जा भाई बस वाले, साइड में हो जा, तुम तो बेला मन तो काम बहुत आ। देखिए धुंध कितनी ज्यादा है जी, सबके पार्किंग लाइट्स अपनी जलती हुई है जी, इंडिकेटर्स गाड़ियों के जल रहे हैं, जैसे कि न्यूज में आता ना आज गाड़ियां सड़क पे रेंगती हुई नजर आई, तो वही हाल एक बार फिर से सड़क पे हो चुका है ना अरब, गाड़ियां हमें रेंगती हुई नजर आ रही हैं, गाड़ियां चलने की बजाय धीरे 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 रेंग रही हैं सड़क पर, जैसे ऐसा हाल हो गया है। तो वैसे तो ट्रैफिक कम लग रहा है क्योंकि कौन मरा कहते धुंध मां राम ते पड़े ट्रक वाले भी साडा मल लाया का, कोई मर जा था पागल जो चल रहा है नहीं समर आरब समर मारे जैसा खुश नसीब, देखा पिछे तो बोल लिया भाई, ये कह रही खुश नसीब कहो, पागल वही हो वहां जिन्हू सनक हो वाह। देखिए दोस्तों धुंध का आगमन बहुत है, बहुत तेज अच्छी धुंध, काफी दिनों बाद मतलब पहली धुंध ऐसी आई है, जो काफी धुंध आई है आज रोड पे। लो जी दोस्तों धुंध पूरी मिल चुकी है यहाँ राजपुरा में, बहुत ज्यादा धुंध है राजपुरा है ना, बहुत ज्यादा धुंध थी, अब तो थोड़ी सी कम हो गई है, पीछे बहुत थी। अभी हम चल रहे हैं गाड़ियां रेंग रही है हमारी, कहना पापा का रेंग रही है हमारी गाड़ी, आज हमारी गाड़ियां रेंगती हुई, देख रहे कितने धुंध है भाई साहब, इसमें दिखती नहीं कैमरे में, इसमें से साफ साफ दिख रहा है, देखो देखो इसमें फिर भी नहीं दिखती पापा, देखिए इसमें तो सब क्लियर दिखता है, देखो तो ऑलमोस्ट हम लुधियाना पहुंच गए हैं, पूरे लगभग एक घंटे से सवा घंटे में, तो पूरी टीम पीछे सोई है, बस मैं आरव जाग रहे हैं पीछे तीनों सो। अच्छा बॉल बड़ी मन्ने का सो रही है, फट बॉल बड़ी जी, और देखो जाग रही है, मौसम जाग रही है, लुधियाना हम लोग पहुंच चुके हैं जी, थोड़ी सी रोशनी लुधियाना क्रॉस कर दी हमने, लाडोवाल टोल पे थे हम लोग, बच्चे भी उठ गए पीछे, समर ने भी ली अंगड़ाई भाई साहब, परंट घरा मार रहा है एक बंदा मारा बहुत जोर जोर से, खाया तो कुछ है नहीं सवेरी, पता नहीं क्या चक्कर आ, समर सिंह उठ की बेटी ठीक है नींद, वेरी गुड बेटा, लै भी सतलुज दरिया के पास हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, ऊपर से हल्की हल्की धुंध लाइटों पे नज़र आ रही है, और हम लोग भी धीरे धीरे यहाँ से गुजरते हुए पुल के ऊपर से जी, बहुत ही अच्छा ये नज़ारा है यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है जी, मैं इसे बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे लगता है आरव देवधर भी जो नदी की तरफ देख रहा है बहुत अच्छा नज़ारा देखते हुए ये भी अच्छा फील कर रहा है, तो मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ जो बाबा जी ने आज बुलाया मुझे सत्संग के लिए, और बच्चे मेरी जो मैं स्पीच दे रहा हूँ जो मैं आजकल बोलने लगा हूँ, मुझे लगता है कुछ कमी नजर आई होगी इन लोगों को मेरी स्पीच में, जो मैं वो जो बकवास अभी कर रहा था, तो ये तीनों हंसे चारों हंसे पूरी जोर से, कोई बात नहीं जी, जिस पे दुनिया हंसी एक दिन परमात्मा ने उसको ऊपर उठाया है, एक दिन मालिक ने उसको बहुत आगे बढ़ाया है, तो हमारे पे भी दुनिया हंस रही है हंसने दो, एक दिन चमकेगा सितारा चाहे बुढ़ापे में जाके ही सही, बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो चुके हैं पर हार मानने वालों में से नहीं है हम लोग, तो देखिए धीरे धीरे जो ऊपर लाइटें टिमटिम आ रही हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं, क्या बात है, बहुत ही अच्छा नज़ारा दोस्तों देखने को मिल रहा है, और ये देखिए कितनी संगत, अरे भाई रुक तो जाओ, और ये देखिए दुनिया मुझे लग रही है सारी हमारी तरह ब्यास ही जा रही है, इतनी गाड़ियां सुबह सुबह कहाँ शनिवार को जा रहे हैं, सब ब्यास ना चले जाना यार, इतनी भीड़ करोगे वहां जाकर, बहुत यहाँ पर अच्छा ही समा बांध रखा है लोगों ने, जो सुबह सुबह अपनी गाड़ियाँ लेके निकल पड़े हैं घरों से, और बच्चे मेरी कमेंट्री सुन के बड़े खुश, मिसेज कह रही हैं कोई आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, क्या करी ए भाई क्या करी, हाँ जी, तो मुझे लग रहा है बच्चों को थोड़ी भूख भी लग चुकी है, पर मैं सोच रहा हूँ ब्यास में पूरियां ही खाएंगे, हम सीधा बिल्कुल रुख कर चुके हैं अपना ब्यास की तरफ, नहीं नहीं आज 10 बजे है तो 9 बजे कैंटीन खत्म होगी, यहाँ पे अभी जो टाइम हुआ है इट्स 5 मिनट्स टू 7, तो अभी 5 मिनट और हैं 7 बजने में, तो हमें लगभग जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि 1 घंटा और लगना है हमें ब्यास पहुँचने में, तो
हाँ तो उसके बाद आ रहा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है दोस्तों मुझे, जिस हिसाब से पूरियों की याद आ रही है वो पूरियां खाएगा, और मुझे लग रहा है सुबह सुबह उपमा चाय। समर समर घर पे दूध नहीं पीता, ब्यास में जाके दूध जरूर पीता है जी। समर क्या आप दूध पीना चाहोगे आज भी? हाँ जी, वो बोल रहा है कि हाँ जी मैं दूध पीना चाहूंगा, तो चाय के साथ दूध भी चलेगा। जैसे हम लोग पांच लोग हैं आप लोगों को मालूम है, तो हम ऐसा करेंगे कि तीन चाय ले सकते हैं, चार तो हमारे पास चाय हो जाएंगे और उसमें से दो या तीन हम दूध भी लेके आएंगे। जिस भी प्राणी ने, जिस भी शख्स ने, जिस भी जो हमारे साथ साथी हैं, जो भी दूध का सेवन करना चाहेंगे दूध का सेवन कर सकते हैं, जो चाय पीना चाहेंगे वो चाय पी सकते हैं। तो दोस्तों ये जो अभी, अरे एक संतरे की गोली क्या खिलाई इसने, मेरी तो जुबान ही बाहर आ गई है। तो दोस्तों ये आ गए हैं हम, ये कहाँ है भाई हम? फिलौर। तो अभी दोस्तों चलो हम सीधा रुख करते हैं ब्यास की तरफ। ये देखिए सुबह सुबह केक का दूसरा पैकेट खुल गया है जी, ये भूखे बच्चे हैं हमारे। तो ये गाड़ी वाला मुझे साइड नहीं दे रहा अभी, भाई साहब जाने दो हमें, हमने आपको क्या बिगाड़ा है। वाह जी भाई, ये फिलौर है दोस्तों। चलो अब आगे का रुख करते हैं, आगे की जो, अरे कुछ पंगा पड़ गया पीछे, पंगा पड़ गया दोस्तों। चलो ये दो ट्रैक्टर भी जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों एक चीज दिखाऊंगा आप लोगों को, लेजेंड्स नेवर डाई। ओ तेरी, कुछ लोग जीवन में इतना कुछ कर जाते हैं कि मरने के बाद भी उनका नाम इस दुनिया में चलता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, सिद्धू मूसेवाला एक उदाहरण है यूथ के लिए, बहुत अच्छा इंसान था ये, बड़ी जल्दी चला गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन लोगों को वैसे ना, एक माँ बाप का अकेला बेटा दुनिया ने छीन लिया, क्या हुआ, कोई फायदा नहीं है। फिर भी मरने के बाद भी जिंदा है वो, आज इस दुनिया में लोगों के दिलों में जिंदा है। कुछ तो ऐसा करो कि लोग पर्दा गिर जाने के बाद भी तालियां बजती रहे। तो हमारी फैमिली पूरी उधर पीछे एक सोल पेटियों बैठी है और जश्न से पड़ी है। समर सिंह तो अपना इन कोई मतलब ही नहीं है किसी से, अपना टैब ले रहा, टना टन टम चल रहे, सही सूर कोई नहीं रहा है, बस एक आ रहा जा मेरी गल जाग रहा है, मेरा साथ दे रहा पूरे सफर में। ही इज अ वेरी गुड गाय मैन, आई रियली लाइक हिम, एंड समर इज आल्सो गुड गाय बट ही इज ऑलवेज बिजी विद हिज टैब। देखो अभी भी अपने टैब में बिजी है दोस्तों। हाँ देखो अभी भी टैब देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है। ये नहीं कि फैमिली के साथ हम टूर पे जा रहे हैं, ब्यास जा रहे हैं, कुछ थोड़ा एंजॉय कर लें इस टूर को, नहीं, घर पे भी यही टैब और बाहर भी यही टैब, क्या फायदा यार समर यार। वो तो पीछे चली गई दोस्तों, ब्यास जा रहे हैं, ब्यास का टूर पापा जी ने, ये वो नहीं है, वो आगे है। अभी कल मुझे सेट कराई थी यार ड्राई टूर, तो हमारी ने मुझे सेट हुई नहीं है, पर अभी सुबह सुबह चलो पतला सा मुंह रखा है मेरा भी, मेरा और मेरी वाइफ का, देखो बैठी पीछे क्यों है, क्या सोलह लपेटी बैठी, अड्डे कहाँ पाला पड़ रहा है, ठंड कहाँ है, अंदर गर्मी पसीने आ रहे गड्डी में, तो तुझे नहीं आ रहे, तुझे क्यों नहीं आ रहे, तुझे ठंड ज्यादा लगा, अच्छा मैं मेरी बहू नु ठंड ज्यादा लगा, इसे बहुत ठंड लग रही, कोई नहीं एक दी और ले ले सोल ऊपर। तो जलंधर पहुंच गए दोस्तों, जलंधर ऑलमोस्ट क्रॉस, आधे पौने घंटे में लगभग साढ़े आठ के आसपास हम ब्यास पहुंच जाएंगे, उससे पहले ही सवा आठ के आसपास पहुंच जाएंगे जी। देखांगे पूरियां बाबे ने हमारे नाम की, पिछली बार जो हमारे साथ हुआ था हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो वहां पहुंचते ही मिसेज ने जो मेरे को देखा, मुझे कहा था ना बाहर खा लियो, दस रुपए के लालच पीछे आपने को राजा न्याणा ने भूखे रखांगे, चलिए ये कह गया चला लेकर वहां से, कह रहा भाई जी पूरियां ढूंढ रहे हो, मैं कहा जी, कह रहा मेरी मिसेज और माँ कहीं घूम गए जी, उनके लिए पूरियां आप खा लो, मन्ने नहीं देर करी, महा दे दे, और सीधा अपनी बहू क्या कमा ला, क्या कहा थी चलिए महा सीधी बात है बाबे गेल, चलिए खिलाई पूरियां, एक एक पूरियां खाई सारे ने, टिल्लो साहब के डायरेक्ट बातचीत अपनी, टिल्लो साहब खास बंदा है, ऐसे क्यों नहीं बोला, टिल्लो साहब के लिए सीधी बातचीत अपनी, टिल्लो साहब ने चदी भेजी पूरियां भी बेटे नहीं, नहीं तपन देने क्या तन्नू। चलो जी चलते हैं दोस्तों, सफर का नजारा लियो, सफर का ही तो मजा हुआ, क्यों मौसम मंजिल का कोई मजा हुआ, हाय 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 बस सुन रात जाए, देखा क्या कह रही है, इसे यह बात कही भी जो थम सफर पर चले है ना, इस बोर नहीं होना चाहिए इस पर, एंजॉय करो मतलब सफर का आनंद लो। असल में कहना क्या चाह रही मेरी बहू, मेरी बहू यो कहना चाह रही भी जो थम सफर कर रहे इसका मजा लो, मंजिल वो तो पहुंच ही जाओगे। मैं कहना चाह रही भी मैं सहमत हूँ अपनी बहू से,
मेरी बहू जो कह रही है वो ठीक कह रही। अच्छा हाँ लो जी हम पहुंच गए ब्यास। ब्यास भी आ गया। ब्यास दरी है। पहले तो पूरी भरी हुई थी जब हम लोग पिछली बार आए थे। माफिया कार। ये माफिया कार है। और पता लगा रहे इससे माफिया कार मैंने रखी नहीं है। चीजा रखी चले क्या रखी चीजा चीजा रहा चीजा देखो कैडा बड़ा दरिया कैडा बड़ा पुल। लो जी भी हम ब्यास पहुंच चुके हैं। यहाँ से लेने अब हमने लेफ्ट टर्न ले लिया। हाँ जी ले लो लेफ्ट टर्न लो। ले लिया भाई ले लिया। राधा स्वामी जी सेवादार जी ठंड लग रही चरण में। ये ब्यास बीमारी यहाँ से एंट्री हो जाएगी नीचे फ्लाईओवर से। यहाँ सेवादार खड़े होंगे। खड़े जी सेवादार। लो जी वो शहर आ गया जहां हम अगर जीप से चाटे सड़के तो मिट्टी लग जाए। देख ले सड़क साफ पड़ी भाई साहब। चाहे जीप फेर लो जीप पमैल भी लग जा बड़े इससे भी मिट्टी नहीं लग सकती है। भीर अंबाले की गड्डी है करेटा चल बुगे ठीक है। देखी सफाई देखी देखो चाट उतर ले चाट के देख ही लो। देख लो कौन सा चाटा का बोलो मैं तो शर्त ला रहा लगने की नहीं ला लो कौन सा अलॉय रखा इसकी गड्डी के पीछे वो है तो रेडी नहीं आने अकेला जी उन्होंने अलॉय सजा रखा गड्डी गड्डी झाक टाक का खड़े वेट तो पूरी है नी 8-10 पौधे पौधे मन हो जाते 8:30 मुश्किल लग रहा है मौसम है नी पूरी हम ले आवे कपड़े थानू बग लेना दोनों जने कार्ड ले जाओ पैसे ले जाओ पूरी लेखा जहां वहां एंट्री नहीं होती है वो वहां खड़े हो जाओ दोनों जने चलेंगे। ये बहुत खा दे रसी ले भी होया गया ब्यास दरिया। लो जी देखो ब्यास दरिया कड्डा बड़ा पुल ऊपर ले लगा लो जी पापा पहुंच गए। आपके क्या विचार है ब्यास के? ब्यास धरती पे स्वर्ग है बच्चे आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे जो आपको आनंद जो आपको शांति जो आपको पीस यहाँ पे मिल रही होगी आप देख सकते हैं उसको फील कर सकते हो आप। हाँ जी यहाँ पे पेड़ पौधों को देखिए जरूर ये भी हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं। वो आप पीछे देखो बाउंड्री आप एक चीज नोटिस करवा रहा हूँ यहाँ की हर चीज आप किसी पेड़ की तरफ देखिए आपको लगेगा वो आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं आपको स्वागत कर रहे हैं। देख किसी भी पेड़ की तरफ देख आप वो खुश हो गया आप मतलब बाहें पे लाके खड़ा है आइए आपका स्वागत है। किसी पेड़ की तरफ देखो आप। ये ब्यास की पार्किंग हमें मिल गई पर्ची देखो जी ये देते हैं लोग यहाँ सेवादार देते हैं लोग बंद करें से। हाँ जी सबको राधा स्वामी जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे आपका परिवार ठीक होगा। तो हम तो बहुत ही ठीक हैं क्योंकि ब्यास में बाबा जी का सत्संग सुनने आए हैं। बाबा जी ने सुनहरा मौका दे रखा है तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करने आए थे मैं और मिसेज बच्चे उठे नहीं तो मैं मिसेज को लेके आया कि चल एक्सरसाइज करनी है थोड़ी वीडियो बनाएंगे तो इसने दिया मेरा साथ। सुबह के 5 बजे हुए हैं जी हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज और ये देखिए पूरा आज गाड़ी भी हमारी सबसे आगे लगी हुई है। हम गाड़ी कल पीछे थी तो आज मैं आगे ले आया था तो अभी हम एक्सरसाइज हो चुके हैं अपने अभी जा रहे हैं जी वापस। तो दिन में आप लोगों से मिलेंगे। लव यू दोस्तों। गुड मॉर्निंग।